शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय पांच। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय पांच। दाऊद के यरूशलेम में राज्य करने का आरंभ। तब इसराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस का है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इसराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तू ही होगा। सो सब इसराइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इसराइल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ बैठ न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे, तब तक यहाँ बैठने न पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है, उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाए, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहर पनाह बनवाई, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनवाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इसराइल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इसराइली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। जब दाऊद हेब्रोन में आया, तब उसके बाद उसने यरूशलेम की और रखीलियां रख ली और पत्नियां बना ली, और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए थे, उसके ये नाम है, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, इभार, एलोशु, नेपेग, यापी, एलिशामा, एल्यादा और एलिपेलेत। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाइम नाम तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है, इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार चढ़ाई करके रपाइम नाम तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को तेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद
गिबा से लेकर गेरेज तक फिलिस्तीनियों को मारता गया।